जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें आवाज एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ओके अच्छा इस तरह से कि देखिए पिज़ा पील जब एंटर किया ना तो मैंने पहले हीलियम 10 के रिकॉर्डिंग जो है ना कंप्लीट वे से आपको गाइड किया। अभी राइट नाउ हम देखेंगे कि हमने ये जंगल स्काउट के थ्रू किस तरह से देखना है। ठीक है ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ जी ब्रांड डोमिनेंसी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ब्रांड डोमिनेंसी में आपको ये देखें यहाँ पे एरो लेके आप इसको स्क्रोल नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है ये कुछ स्टूडेंट्स हैं लास्ट पे ट्रेनिंग चली गई होती है लेकिन आइडिया नहीं होता कि मैम इसको इसको किस तरह से स्क्रीन को लार्ज करना है। ठीक है तो आप यहाँ पर एरो लेके आते हैं ना तो वो जो एरो आता है अभी शो नहीं हो रहा ये देखें इस तरह से एरो आएगा आप इसको ड्रैग करके लार्ज भी कर सकते हैं। अच्छा जी अब बताने का मकसद ये है कि इसको हम देखेंगे ब्रीफली। लेट्स सपोज कि जी हमारे पास सबसे पहले हमने देखना होता है ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। ये देखें जी ब्रांड डोमिनेंसी जो है ना ये देखें ब्रांड एक ब्रांड तीन टॉप 10 में एक ब्रांड जो है वो 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो। ठीक है सेम लाइक डैट प्राइस जो है फ्लक्चुएट ना कर रही हो प्राइस जो है ना वो लेट्स सपोज 21 है 21 22 23 26 28 19 इस तरह से प्राइस आए तो वो एक्सेप्टेबल है वो प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज कि अगर एक सेलर जो है वो 35 की सेल का आ रहा है एक 48 की का आ रहा है एक 12 की का आ रहा है एक $7 की का आ रहा है इट्स बीन प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो इस तरह के प्रोडक्ट से फिर आपने अवॉइड करना है। ठीक है अभी तो ये ठीक जा रही है। ठीक है रेवेन्यू यूएसए के लिए हम कहते हैं कि टॉप 10 में से टॉप 5 का एटलीस्ट $7,000 होना चाहिए। अभी लेट्स सपोज कि एक सेलर 65 की सेल का आ रहा है एक 13 की का आ रहा है एक 16 की का आ रहा है एक 13 की का आ रहा है इट्स मीन 45 एंड 49 इट्स मीन कि ये बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाली प्रोडक्ट है। उसके बाद रेटिंग नंबर देख लेते हैं हमने वैसे 5 को कंसिडर करना होता है यहाँ पे 5 से 6 7 आ रहे हैं जो कि अच्छा रेवेन्यू लेके जा रहे हैं। उसके बाद रेटिंग नंबर देख लेते हैं जी रेटिंग नंबर टॉप यूएसए के लिए हम करते हैं बात यूएसए के लिए 3 सेलर की एटलीस्ट 400 से कम होनी चाहिए तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 3 सेलर की 400 से कम आ रही है इट्स मीन ये भी क्राइटेरिया मीट कर गया। ये देखिए रेटिंग 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए सबकी ज़्यादा है ठीक हो गया। अब रिमेनिंग क्राइटेरिया में ये देखिए अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा अमेजोन आ रहा है ठीक है और ये FBA ज़्यादा होने चाहिए ये FBA ही ज़्यादा आ रहे हैं FBM हो ना तो FBM भी कंसिडरेबल है 4 से 5 FBM भी हो तो कंसिडरेबल है बट अमेजोन जो है ना वो 3 से ज़्यादा दफ़ा ना हो। वेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो वेट में 2.5 LB से ज़्यादा ना हो वेट जो कि सबका ही तकरीबन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है ये तमाम क्राइटेरिया मीट कर गया ये जंगल स्काउट का मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए लिस्टिंग डेट एटलीस्ट सेलर की जो है ना वो 6 मंथ ओल्ड लिस्टिंग होनी चाहिए ये जो लिस्टिंग शो हो रही है ना ये 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए तमाम की 6 मंथ्स ओल्ड ही हमें शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे और तमाम ब्रांड डोमिनेंसी को मैंने बड़ा ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया हीलियम 10 में कि जी ब्रांड डोमिनेंसी एक तो ये कि एक ब्रांड 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो सेकंड थिंग कि रेवेन्यू एक ब्रांड ज़्यादा रेवेन्यू लैग के हिसाब से लेके जा रहा है बाकी जो है वो कोई 60 बना रहा है कोई 50,000 बना रहा है तो ये ब्रांड डोमिनेंसी होगी कि एक एक ब्रांड ज़्यादा रेवेन्यू लेके जा रहा है। ये तो हो गया हमारा जंगल स्काउट के थ्रू। अब हम नेक्स्ट मैंने आपको बताना था मैग्नेट के थ्रू जो है ना मैग्नेट के थ्रू लेट्स सपोज के अगेन इसको हम कर लेते हैं कोई और मैग्नेट में जस्ट इतना सा आपने करना होता है कि कीवर्ड को एंटर करके ना तो आपने सर्च वॉल्यूम के साथ ही छोटा सा ग्राफ होता है उसको आपने ना करना होता है ओपन तो उस पर फिर जो है ना हमें 1 टाइम एंड ऑल टाइम का ग्राफ शो हो जाता है ठीक है। अब ये तो सेरिब्रो शो हो रहा है ना लेट्स सपोज के अकाउंट चेंज करेंगे तो उस पर देख लेते हैं। अच्छा यहाँ तक जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने आज आपको क्लियर कट आइडिया प्रोवाइड कर दिया यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है तो कर लें ये देख लेते हैं अगर तो ये एक्टिव हो गया तो मैं मैग्नेट के थ्रू भी बता दूंगी नहीं तो ये नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे आपको कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई आप कीवर्ड एंटर करें
पिज्जा पीट ही कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि पिज्जा पील हमने एंटर किया, और अभी ये देखिए मार्केट प्लेस चूज कर लेनी है आपने, अमेजोन डॉट कॉम ही है, तो ये अगेन हमें प्रॉब्लम शो कर रहा है। यहाँ पे हमें सर्च वॉल्यूम शो करना था, सर्च वॉल्यूम के पास ही एक छोटा सा होता है एरो, एरो पे क्लिक करें ना तो ग्राफ हमें शो हो जाते हैं वन टाइम एंड ऑल टाइम का, ठीक है। तो उसके बारे में नो वरी अबाउट डैट। अच्छा, उसको देखना हो ना तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जंगल स्काउट हीलियम 10 को एक्सटेंशन को रन करके ना, हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करके ना, तो सर्च वॉल्यूम के पास ही हमें ग्राफ शो हो रहा होता है। ग्राफ से हम वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम मैगनेट में ही जाएं। अच्छा, यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है तो करें, देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जी जी आवाज़ बहुत स्लो है आपकी, कौन बोल रहा है जी? फॉरएवर मेरी आपकी आवाज आवाज़, क्लियर है? अब ठीक है, अब ठीक है। जी जी अब मुझे बताइए। अच्छा, मुझे ये पूछना है आपसे, जब हम ये हीलियम 10 की एक्सरे एक्सटेंशन को जब ये रन करते हैं, तो हम ये जो एवरेज वाले जो आ रहे हैं ऊपर, रैंक जो रेवेन्यू है, जो प्राइस है और जो बीएसआर है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे? हम सिर्फ ये जो टॉप सेलर्स हैं जो नीचे, हम उन्हीं को देखेंगे टॉप 10 में जो नीचे एग्जैक्टली हैं? हम इनको देखेंगे, हमने एवरेज को नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना। तो जो हमें क्राइटेरिया बताया जाता है जो जिसमें, तो क्या ये इसको नहीं शो कर रहा होता जो एवरेज वाला है, कि आपने इसके अंदर देखना है या सिर्फ टॉप 10 के अंदर जो 200 से कम रिव्यूज हो और 300 से कम हो प्राइस वगैरह, हम ये उसको देखते हैं? हमें जो क्राइटेरिया बता रहा होता है ना, वो टॉप 10 के अकॉर्डिंग बता रहा होता है, वो एवरेज का नहीं बताता, तो एवरेज को हमने कंसीडर भी नहीं करना, ठीक है? अच्छा, हमने हमने ऊपर एवरेज को नहीं कंसीडर करना, हमने जो नीचे जो सेलर्स हैं टॉप 10 हैं उनको देखना। एग्जैक्टली हमने उनको देखना होता है। ओके। किसी भी स्टूडेंट का और कोई क्वेश्चन हो? जी जी वालेकुम सलाम, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज़। आप बोल रहे सुहेब हैं? बात कर रहे हैं ना? जी, सुहेब आपकी आवाज़ स्लो है। ठीक है। जी जी आप ठीक है? फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं पोस्ट के हवाले से, मतलब कि जो पोस्ट वगैरह करनी है वो वीडियो बनाकर जिस तरह कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च अपलोड करनी है, या मतलब वो सिर्फ एक जस्ट एक पेज पे जिस तरह अपलोड करनी है? आप जो वीडियो बनाएंगे ना, वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन आप पोस्टिंग भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। बट मैं रेकमेंड वैसे करूँगी, स्टार्ट में अभी आप स्टार्ट में हैं तो आप अभी ना पोस्टिंग से ही स्टार्ट करें। जो रिटर्न फॉर्म में पोस्टिंग होती है, कोई ऑथेंटिक सा नॉलेज ले लिया इधर गूगल से या कहीं से भी आपने उठा लिया, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप उसको शेयर करें अपने पोर्टल पे। और जो मेन मेन टॉपिक होते हैं ना, जो थोड़े से हटके होते हैं, लेट्स सपोज कि वो फिर आप शेयर करें वहाँ पे, कि ताकि आपको लगे कि भाई ये आइडिया लोगों को नहीं, मेजोरिटी आवाम को नहीं आइडिया होगा इस जो मैं बताना, जिस पे वीडियो कंटेंट बनाने जा रहा हूँ, तो फिर वो आप हटके जो कोई न्यू कंटेंट होगा उस पे आप वीडियो बनाएं। एक और सवाल है, जो सेलर टाइप है हीलियम 10, एक्सटेंशन आपने रन की थी, उसमें एनजीआर था, एफडीए, एफबीएन, एक मल्च भी होता है, उसमें से कितना? मुझे एक सेकंड सुहेब, मुझे आवाज़ जो है मुझे इस तरह आ रही है इनकी, या फिर सभी को आ रही है इस तरह से बहुत स्लो? मैम मैम सभी भी को आ रही स्लो है, है। स्लो आ रही है। एग्जैक्टली, मुझे भी बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। तो सुहेब आप कोई ट्राई करें कि कुछ या माइक में इशू है या क्या रीज़न है। अभी भी सेम वही इशू है। चलें आप इस तरह करें कि नहीं तो आप रिटर्न फॉर्म में मैसेज कर लें। टाइप करता जी जी अब आप स्टार्ट करें। हूँ। अब ठीक है मैम। ठीक है, आप ठीक है।
अच्छा, आपने जो जेस की एक्सटेंशन रन की थी सेल टाइप, उसमें एएमजी भी था, एफबीए, एफबीएम, एक मल्च होता है वो किस लिए होता है? एफबीएम को ही नेचुरल हम मर्चेंट कहते हैं कि एफबीएम वाले, और एफबीएम वाले तो वो होते हैं ना जो कि अमेज़न अमेज़न पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेट्स सपोज कि हम एफबीए के तौर पर काम करते हैं, तो एफबीए में इस तरह से होता है ना कि हमने अमेज़न को थोड़े बहुत चार्जेस देने होते हैं, तो अमेज़न अगर कस्टमर आए तो अमेज़न ने ही डील करना होता है, उसको पिक पैक एंड शिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न पे होती है। लेकिन एफबीए वाले क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी जो है वो जब कस्टमर आएगा तो अमेज़ॉन ने एफबीएम वालों या मर्चेंट, एफबीएम या मर्चेंट एक ही चीज़ है, तो एफबीएम वालों को कह देना भाई आपका कस्टमर आया है आप डील करें, तो वो फिर एफबीएम वालों ने प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप खुद ही करके तो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना होता है। तो वो एफबीएम वाले तो वो करें ना जिनका अकाउंट यूएसए में, अगर वो काम कर रहे हैं तो यूएसए में ही वो रह रहे हों, ताकि अगर कस्टमर आए भी तो वो इजीली कस्टमर को डील कर ले। लेकिन हम होते हैं रिमोटली काम कर रहे होते हैं, सो हमने एफबीए के तौर पर चलना होता है। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन हो? चलिए ठीक है, आई थिंक सो कि किसी का क्वेश्चन नहीं है। हम इस तरह करते हैं कि रिकॉर्डिंग अभी यहीं से जो है ना वो सेव कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। बाकी है कि टूल्स वगैरह आप बाय कर लें, टूल्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस आ रही थी, मैं रिकमेंड कर दूंगी कि आप किससे बाय करें, क्योंकि अगर वो आप उनसे बाय करेंगे तो मैं होपफुली कि वो आपको मेरे रेफर से थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी करेंगे, तो उनकी सर्विस भी अच्छी जा रही है इस टाइम पे। जब भी आप कोई प्रॉब्लम हो तो एनी डेस्क पे आके आपको रिजॉल्व कर देते हैं, मैं आपको रेफ़र भी कर दूंगी। बाकी ये है कि ये जो प्रोडक्ट हंटिंग की स्लाइड है ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर दूंगी, और जो भी कोई क्योरी हो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये आज रात को मैं अपलोड कर दूँ, तो इसके रिकॉर्डिंग कोई भी क्योरी हो आप इनबॉक्स में मुझे कर सकते हैं, ठीक है? ग्रुप में डिस्कशन भी किया करें चीज़ों की, इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज आता है। तो बाकी ये है कि ठीक है, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो अभी भी कर लें, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो सेव कर लेती हूँ। मैम, मैंने कुछ पूछना है। जी, अगर हम पाकिस्तान में अपना आईपीएल लॉन्च करना चाहें, यूके या यूएस में, तो हम बाहर कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं ना यहाँ पाकिस्तान से? एग्जैक्टली हम कर सकते हैं, बल्कि लोग करते हैं। पाकिस्तान में इतनी आवाम जो है अमेज़ॉन पे बिजनेस कर रही है, तो वो इसी तरह तो कर रही है कि कंपनी वहाँ से रजिस्टर करवाते हैं, और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ से रिमोटली काम करते हैं वहाँ पे। तो उसके ज्यादा पैसे लग जाते हैं या सही है बस? नहीं, अकाउंट के तो डेफिनेटली आपको लगते हैं पैसे, अकाउंट के आपको इस तरह से कि लेट्स सपोज एक अकाउंट का एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाता है यूके के लिए 80 to 90 thousand, और यूएसए के लिए आ जाता है 1.5 लाख तक का एक्सपेंडिचर होता है, तो वो डेफिनेटली आपको वो पैकेज करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करेंगे तो काम करेंगे ना, तो अकाउंट क्रिएशन के लिए पैसा लगता है। ठीक है मैम। मैम, ये अकाउंट हमारा अपना होता है, मतलब कि नेशनलिटी हमारी होती है या यूके में किसी और बंदे की होती है जो हम कंपनी रजिस्टर करवाते हैं? कंपनी जो रजिस्टर करवाई जाती है ना वो किसी और के बेस पे करवाई जाती है जो यूएस में बेस्ड हो, वो लकीली अगर आपका कोई रेलिवेंट है तो आप उसके बिहाफ पे कर सकते हैं, उसके फिर कम चार्जेस लगते हैं आपको। लेकिन अगर ना हो कोई तो फिर आपको वो बाय करने पड़ते हैं किसी के एड्रेस पे, तो वो आपको अलहदा से जो है वो पेमेंट लगानी पड़ती है। तो इसके लिए ना यानी कि इसीलिए ये एक्सपेंडिचर इसीलिए तो होते हैं जो अकाउंट के होते हैं। मतलब कि हमारा नाम यूज नहीं होता, हमारी नेशनलिटी यूज नहीं होती। अच्छा, नहीं, हमारी नेशनलिटी यूज़ होती है, लेकिन कंपनी जो है ना वो किसी और के नेम पे होती है, बाकी तमाम चीज़ें हमारी अपनी जो है ना पाकिस्तानी ये जो हमारा एड्रेस होता है उसकी बेस पे हम बनाते हैं, लेकिन जस्ट कंपनी जो है ना वो हमारी
फॉरेन किसी भी जो है वो फॉरेन के अकाउंट किसी भी फॉरेन एड्रेस की बेस पे बनती है। तो अकाउंटेंट की चीज़ें होती हैं ये, हमने तो नहीं पढ़ी हुई ना ही हम सिखाते हैं ये चीज़ें। ये अकाउंटेंट की जो है ना अलहदा से सर्विसेज होती हैं। राइट नाउ हम खुद भी अपना अकाउंट क्रिएट करवा रहे हैं, तो वो ये होता है कि जस्ट जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी पासपोर्ट, हमारे जो है वो बैंक स्टेटमेंट उनको चाहिए होती है। इसके अलावा हम डोमेन जो परचेज़ करनी है, अपनी कंपनी का नेम अपनी मर्ज़ी से हम चूज़ करते हैं, लेकिन वो एड्रेस जो यूज़ करना होता है उन्होंने किसी रेजिडेंस का US या UK में किसी रेजिडेंस की बेस पे अकाउंट ये कंपनी क्रिएट करनी होती है। मैम, जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो लिस्टिंग की और ये वो सब, वो फिर हम कहाँ से करते हैं? हमारे पास तो अकाउंट नहीं होगा अमेजोन का, तो फिर हम कैसे करेंगे प्रैक्टिस? नहीं, स्टार्टिंग पे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती फॉर प्रैक्टिस। हमने देखें, लेट सपोज के आपने प्रोडक्ट हंट की है, उसको सेल आउट करें, आपने सोर्सिंग की है, उसको आप सोर्सिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं अलीबाबा पे अकाउंट बना के। फिर आपने लिस्टिंग क्रिएट की है, वो आपको वर्ड की फ़ाइल में जो है ना वो हमें सबमिट करवा के, तो हमने उसकी देखनी होती है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, क्या रीज़न है और किस तरह से आपने क्रिएट की है। तो जहाँ पे मिस्टेक की होती है स्टूडेंट्स को हाईलाइट हम कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती है, जस्ट आपने इस तरह से चलना होता है। लेट्स सपोज कि अगर PPC की प्रैक्टिस है भी, तो वो डमी अकाउंट क्रिएट करवाते हैं हम स्टूडेंट का और उसके थ्रू हम प्रैक्टिस लेते हैं। तो इसके लिए इतना वो मैटर नहीं करता कि आपके पास अकाउंट होगा ही तो आप कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। हर प्रैक्टिस हर टास्क ऐसे भी परफॉर्म हो जाता है। ओके ओके चलें जी, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और बाकी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो वो आप इनबॉक्स में कर लीजिएगा। डेफिनेटली इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।